आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। भागलपुर में 5 हथियारों से लैस अपराधियों ने उपसभापति को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बेखौफ अपराधी ने आपसी रंजिश के कारण नगर उपसभापति प्रतिनिधि को सुल्तानगंज थाना के सामने गोली मारी है। गंभीर रूप से जख्मी लोगों ने बदमाश को पकड़कर पिटाई कर दी। छोटकी सामान निकाल के अचानक गोली मार दिए। बहुत आदमी जो है दौड़ के, एक लड़का मोटरसाइकिल वाला तो भागिए गया, लेकिन एगो जो पाछे में बैठा जो गोली मारा ना, वो पकड़ा गया। नाम पता मालूम चला? नहीं, वो लड़का को पहचान में ना आता है। नहीं पहचानते हैं? जी नहीं। क्या लग रहा है, कोई आपसी रंजिश, कोई पुराना? जी नहीं, ना उनसे हमको कोई दुश्मनी, अभी तो पहले भी कभी हमला हुआ है। खबर पटना के बाढ़ जिले से है, जहां वार्ड पार्षद परमानंद प्रसाद सिन्हा की हत्या की घटना को लेकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सदर बाजार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक वार्ड पार्षद के पुत्रों से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान की। साथ ही कहा कि भाजपा बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर आंदोलन चलाने पर विचार कर रही है। इस मौके पर भाजपा बाढ़ जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिया राम सिंह, मुकेश सिंह, राजेश राजू आदि मौजूद रहे। बढ़ जाता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है, और आज बिहार के अंदर यही स्थिति है। आपके यहाँ वार्ड पार्षद की हत्या है, आपने देखा है कि बेगूसराय में मुखिया की हत्या, कई जगह मुखिया की हत्या, विधायकों को भी धमकी दी जा रही है। ये माहौल पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बिहार के अंदर बन गया है। ये 90 के दशक का जो जंगल राज था, जिसको बिहार के मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं, ये गुंडा राज में तब्दील हो गया है। और इस गुंडा राज को अभी हम जेठली से आ रहे हैं, किस तरह से वहाँ के लोग बता रहे हैं कि पुलिस के रिवॉल्वर निकाल के गोली मार दिया और पुलिस उसको गंगा पार करा दिया स्टीमर पर बैठा के। ये इतनी दुखद घटना हो रही है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी थाना का वो नया ट्रेंड चला है। खबर बिहार के मधुबनी जिले से है, जहां दूसरी सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में मधुबनी लोकसभा के सांसद अशोक यादव, नालंदा के सांसद सिकंदर कुमार, बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा के साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि नवम्बर 2023 से प्रोडक्शन की शुरुआत होने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 10,000 किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहन भी किया जाएगा। नालंदा में प्रखंड के सतुआ बालू घाट में अवैध तरीके से मिट्टी कटाई के नाम पर बालू का उठाव हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रैयती जमीन पर मिट्टी कटाई के नाम पर प्रशासन की मिली भगत से अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है। दिन के उजाले में मिट्टी का कटाव होता है, जबकि रात में अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है। इस समस्या को लेकर पंचायत के मुखिया बलबीर यादव और किसानों ने राजगीर अनुमंडल पदाधिकारी अनीता कुमारी सिन्हा को एक आवेदन दिया था। अवैध बालू उठाया जा रहा है यहाँ, जो कंपनी का आदेश है 1 फीट काटने का, यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये मिलने वाले हैं। यहाँ शासन प्रशासन द्वारा मिल करके सभी को, किसान भाइयों को क्षति पहुँचाया जा रहा है। डायरेक्ट क्षति, अगर कोई बोलने आता उसको धमकी दिया जाता है कि तुमको गोली छुड़ा देंगे, मार देंगे, जान मार देंगे। एसडीओ साहब आए, कल गए थे हम लोग आवेदन एसपी के पास गए थे, पूर्व मुखिया सुरेश महतो हैं, उनको डायरेक्ट धमकी फोन पर फोन आया गया है
कि आपको मार देंगे, धमका देंगे। पूर्व सरपंच साहब आए थे ना, हाँ एसडीएम साहब आए थे। क्या हुआ जांच में? अब जांच पड़ताल में वो देखे सब कुछ, ब्यौरा लिए हैं उसको आने। तो उसी का नापी वगैरह के लिए सीओ को आदेश दिया गया है कि किन की जमीन है वो आइडेंटिफाई कर ले। अब तक क्या प्रतिफल निकला मैडम इसका? नापी के लिए कहा गया है, उसके बाद नापी का रिपोर्ट आता है, उसके बाद गलत किया गया होगा तो उसे फिल करवा दिया जाएगा। कितने खेत हैं जिनको मतलब काट दिया गया है? अभी ज़्यादा नहीं, दो ही प्लॉट किया गया है। मांग क्या सर किसानों का? कुछ नहीं है कि मेरा वो बराबर करवा दिया जाए। लू भी उठता है अवैध, समझ गए, कुल रहती जमीन को खनन कर रहा है सर अवैध। जी एसडीओ साहब को हमने आवेदन दिए थे, वो आए थे और नापी के लिए कह के किए कि नापी होकर सबका गड्ढा भरा जाए। सीओ साहब भी आए थे। लगता नहीं है कि अगर इसी तरह से जारी रहा तो खून खराब भी हो सकता है? हाँ सर, ऐसी जारी रहेगा तो जनता को आक्रोश तो बढ़वे करेगा रहती जमीन में ऐसा होगा तो। परेशानी क्या हुआ है? परेशानी है सर रहती जमीन में, बिना अग्रीमेंट के बिना लिखित के सब ऐसी भाई जबरदस्ती उठाया जा रहा है। कितने किसान? मुजफ्फरपुर में जल जमाव मुक्त करने को लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर ब्लड सेंसर लगाया गया। फ्लड सेंसर लगने से बारिश के समय शहर के 5 इलाके में जल जमाव की जानकारी मिल सकेगी। इसी हिसाब से निगम टीम को जल निकासी के लिए लगाया जाएगा। इस सेंसर की मॉनिटरिंग कंपनी बाग रोड स्थित कमांड कंट्रोल बिल्डिंग से की जा रही है। सेंसर लगने के बाद पानी के लेवल, निकासी की स्थिति का पता चल सकेगा। बाटा चौक, कल्याणी चौक और कलमबाग चौक पे, जिससे पानी का जो फ्लो है उसका जांच होगा। और जब वो रोड का जो लेवल है उससे 1 मीटर कम के स्तर पे जब रह जाएगा, जैसे 0.5 या उससे भी कम, तो जो पानी का स्तर है उसके बेस पे हमको यहाँ पे IEEE का जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे अलर्ट जनरेट करेगा। और उसके बाद में पानी का रुकावट किस लिए हो रहा आगे, या फिर उसमें और क्या कार्रवाई हमारी तरफ से अपेक्षित है, उसके तहत हम जो है आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। तो इससे टाइमली हमको मॉनिटरिंग हो पाएगी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जल्द से जल्द पानी के फ्लो को वहाँ से निकालने के लिए शहर को जल जमाव से निजात दिलाने में आवश्यक मदद होगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग समेत कई घटनाओं को अंजाम देकर बड़े आराम से निकल जाते हैं। ये मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग का है, जहां पर चैन छिनतई करने के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और चैन छीन कर भाग निकले। घायल व्यक्ति का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। वो चला दिया वो बंदूक, हाँ बंदूक निकाल, दोनों निकाल चुका था और एक हेलमेट पहने हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, एक टोपी पहने हुआ था। किस गाड़ी से? और गाड़ी क्या था, हमने क्या करते, गाड़ी ध्यान नहीं दिए थे उस समय। हाँ, नहीं गाड़ी से थे, बाइक से थे। हाँ दोनों बाइक से थे। रोका गया पहले?
माने नहीं, वो उनका दरवाजे पर ही घटना हुआ, दरवाजे के अंदर जो जा रहे थे ना अपना, हाँ घर के अंदर घुस रहे थे, अंदर से ही पीछे से खींचा वो, और खींचा तो चैन जो है ना, चैन जो पकड़ा गया उनका, चैन टूट चुका था, चैन लेने के क्रम में जो है ना वो गोली मार दिया, गोली जांग में लगा, एक गोली मारा है, दूसरा गोली मारने वाला था तो बोला कि नहीं से उनको गोली लग चुका है, वो दूसरा हल्ला किया तो वो छोड़ दिया, गाड़ी में बैठा तो हम लोग के दौरा हमारा होटल वहाँ पे है। बिहार के मधुबनी में एक सरकारी विद्यालय की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड स्थित भवारा गांव में स्थित सरकारी विद्यालय को यहां के प्रिंसिपल ने ट्रेन का लुक दे दिया। इससे यहां शिक्षकों की मौजूदगी में इजाफा देखा गया, साथ ही यहां काफी संख्या में बच्चे पढ़ने भी आते हैं। ज़्यादा चाह रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़े, और उसके लिए देख ही रहे हैं कि ट्रेन का मॉडल बनाए हैं और पेंटिंग्स जगह जगह पे आकर्षक करने के लिए दिए हैं। लड़कियों की संख्या को लेकर सवाल है तो जी तो लड़कियों की संख्या, एक तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है ये असल में इस क्षेत्र में, तो और लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देती भी हैं। बहुत सुध है, बच्चों सबको कहा जाता है कि घर से पेड़ लाने के लिए, ताकि हमारा जल जीवन जो हरियाली का ये है, जल जीवन हरियाली का जो नारा है वो पूरा हो सके, हमारा देश में पेड़ ज़्यादा रहना चाहिए। खबर मोतिहारी से है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला रसोइयों और कर्मियों ने शहर की मुख्य लाइफलाइन को जाम किया और जमकर हंगामा किया। रसोइयों को मिलने वाले 1650 रुपए का विरोध करते हुए बिहार सरकार से उचित मानदेय देने की मांग कर रहे, जाम के चलते सैकड़ों राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सड़क पर जाम क्यों किए हुए, इससे क्या समस्या है? इसी कारण हमको 18,000 का वेतन चाहिए। 18,000 का वेतन चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। ये कुछ नहीं है, ये लोग 1600 में अपना घर चला रहे हैं, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, दलित होंगे, पिछड़े होंगे, आदिवासी होंगे, गरीब लोग हैं। तो आपको सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम जो बेसिक सैलरी है 17,000 से 18,000 रुपया इनका वेतन किया जाए, अन्यथा ऐसे ही धरना चलता रहेगा। जब तक नीतीश कुमार के कान में रुचि रहेगी तब तक ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और नीतीश कुमार के कान में गुजाते रहेंगे नारा कि नीतीश कुमार मोटाबाद। आपका परिचय? हमारा परिचय विकास सिंह, हम छात्र नेता हैं, हमारा छात्र संगठन है JPSC मोतिहारी, जयप्रकाश नारायण छात्र संगठन, हम लोग छात्रों गरीब। बिहार की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे